शाविका अपने शावक से किस प्रकार तत्व चर्चा करते हैं। वास्तव में जिना गम ने हमें समोषण तो पढ़ा हुआ है कि जहां भगवान देवी धनी के माध्यम से उपदेश देते हैं उसका नाम समोषण कहा जाता है। पर लौकिक में जहां लाइट खोल दीजिए, लाइट मत बंद करिए, जहां एक पति और एक पत्नी दोनों बैठकर घर में तू भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूं ऐसी जहां चर्चा होती है वो चलता फिरता समोषण कहलाता है। और आज की ये हमारी सभा उन शास्त्रीय विद्वानों की सभा है। आपने बहुत सभा देखी थी, वहां पर कोई श्रेष्ठी बन रहा है, कोई बन रहा है, पर ये जो आज की अद्भुत सभा है उसमें इस 16 जन में से 12-13 तो शास्त्रीय विद्वान ही बैठे हुए हैं। तो वो सभा कितनी गजब की होती होगी, वो कितना आनंदमय चर्चा होती होगी। आइए आज की हम उस चर्चा का लाभ यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पंडित साहब, पंडित जी, राकेश जी, शास्त्री दाहोद, रजनी भाई जी अपने घर पे चले गए हैं, रूम पे चले गए हैं। मैं उनको भी निवेदन करता हूँ, यदि वो आवाज सुन रहे हैं तो हमारे यहाँ मार्गदर्शन के लिए वो भी उपस्थित हैं। हमारे श्रेष्ठियों में भाई साहब महिपाल जी, भाई साहब आदि यहाँ सब बैठे हुए, चंदू भाई जी, धनपाल जी, वीरेंद्र भाई आदि सभी, और बाहर से पधारे सभी सुमतलाल जी आदि का भी यह सभा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और समस्त ध्रुवार्थी स्नातक और पंडित टोडर में स्मारक से पड़े हुए समस्त विद्वान भी यहाँ जुड़े हुए, उनके समक्ष आज की यह सभा हम प्रारंभ करते हैं। कन्हैया जी थोड़ा मुझे यहाँ देखने दीजिए, है ना, आप थोड़ा साइड में हो जाइए। कन्हैया जी थोड़ा इस साइड मुझे आंख से आंख मिला लीजिए, हाँ पीछे हो जाइए थोड़ा आप। चलिए, क्या बोल रहे हैं? सादर में भाई से निवेदन करूंगी कि सारे प्रांगण की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, पूरे प्रांगण की लाइट ऑफ कर दीजिए। सभा का प्रारंभ हो गई उसके पहले हमारे नन्हे मुन्ने पाठशाला के बच्चों के द्वारा मंगलमय मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। मंगलमय मंगलाचरण पाठशाला के ध्रुवम पाठशाला के बच्चों के द्वारा। जिन शासन के राज दुलारे, ध्यान दीजिएगा सभागण, शीघ्रता से सब यथावत हो जाइए। हम इतनी तैयारी से आते हैं और यदि आप लोग फोकस से नहीं देखें तो हमारे उत्साह में कमी आ जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। जिन शासन के राज दुलारे, जिन शासन के राज दुलारे, हम बच्चे प्यारे प्यारे हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, रमोकार मंत्र फिर जपते हैं। क्या कहा? सुबह को जल्दी उठते हैं, रमोकार मंत्र फिर जपते हैं, जिन मंदिर नित जाते हैं प्रभु की महिमा गाते हैं। जिन मंदिर नित जाते हैं प्रभु की महिमा गाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, झूठ कभी ना कहते हैं, पानी छान कर पीते हैं, बाजार में कुछ ना खाते हैं, सदा प्रभु की वाणी सुनते, सदा प्रभु की वाणी सुनते, इसीलिए मुस्कुराते हैं, इसीलिए मुस्कुराते हैं। ऐसी ही मुस्कुराहट को लिए ये ध्रुवम पाठशाला के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके समक्ष एक सुंदर मंगलाचरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। करताल ध्वनि से इनका अभिवादन कीजिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है मंगलाचरण।
स्वभावी भगवान आत्मा जब परिणति में अपने आ जाता है तो वह परमात्मा रूप बन जाते हैं। अजय बेटा वो अपने हाँ। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए और उसी बीच में अब घोषणा जब हो मुझे लिख के दे देना, अमित अरिहंत की तरफ से 501 रुपए की राशि ध्रुवम पाठशाला बच्चों के लिए प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीच में कोई भी मुझे सूचना करनी हो तो यहाँ लिख के दे देवे। अब प्रारंभ करते हैं जिसका हमको बहुत दिनों शास्त्री वर्ग को था, साधर्मियों को भी था कि क्यों ना एक अद्भुत चर्चा की जावे। जन्म कल्याण की चर्चा करते हैं तो भगवान गर्भ में आते हैं। ओ बेटा अब बोलना तो बाहर से निकल। गर्भ कल्याण की चर्चा सुनते हैं तो भगवान गर्भ में आते हैं। पर वो गर्भ कैसा होता है, वो जन्म कैसा होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ न करते हुए हम उस श्रावक और श्राविका की सभा को प्रारंभ करते हैं। अद्भुत चर्चा है, आपको सुनकर कुछ नई चीज मिलेगी। आपने बहुत बार नई सभाएं सुनी पर ये कुछ अद्भुत सभाएं हैं। इसमें काफी हमने उसको लिखा है, चर्चा भी की है और उसके बाद में आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारे श्रेष्ठी श्रावक से निवेदन करता हूँ कि इस श्रावक श्राविक सभा का मंगल में मंगलाचरण करें। श्रेष्ठी श्रावक हाँ, एक माइक भाई साहब, एक माइक वहां पहुंचा दीजिए कोई भी। Thank you.
सिद्धेभ्यः। आत्महित ही करने योग वीतराग प्रभु भजने योग सिद्ध स्वरूप ध्याने योग गुरु निर्ग्रंथ वंदन योग साधर्मी संगति योग ज्ञानी साधक सेवा योग जिन वाणी पढ़ने योग सुनने योग्य समझने योग। बोले वीतरागी देव शास्त्र गुरु की, बोले पंच बाल्यति भगवान की। हे श्रावकों, आज मेरे मन में अद्भुत वीतराग मार्ग के प्रति उल्लास और आनंद उमड़ रहा है। परम पवित्र वीतराग जिन धर्म के प्रताप से हमने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और इस मनुष्य पर्याय में हमने मध्य लोक के ढाई द्वीप में और इस ढाई द्वीप के जम्बू द्वीप में और इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में और इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और इस आर्यखंड के भारत देश में और इस भारत देश के राजस्थान प्रांत में और इस राजस्थान प्रांत के बांसवाड़ा जिले में और इस बांसवाड़ा जिले के ध्रुवधाम तीर्थ क्षेत्र पर रत्नत्रय महामंडल विधान और भावी साधर्मी सिद्धात्माओं के मिलन समारोह का यह अद्भुत कार्यक्रम में हम सबके परिणाम तत्व चर्चा के हुए हैं। सो हे श्रेष्ठी श्रावकों, आओ हम सब मिलकर सदाचार और नैतिकता पूर्वक धर्माचरण कैसे करें इसकी चर्चा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर भाव हुए हैं श्रेष्ठी श्रावक के कि इस मौके पर हम क्या करें कि हम नैतिकता सदाचार और तत्व चर्चा करते हैं। शाविका क्या कहती हैं? हाँ जी, हाँ स्वामी, आपकी बात परम सत्य है। अदेह स्वभावी भगवान आत्मा की साधना हम स्त्री पर्याय में कैसे करें, इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए। लो, कितनी गजब की बात आई, अदेह स्वभावी भगवान आत्मा की साधना हम स्त्री पर्याय में कैसे करें, इसकी चर्चा करो आप। तो और कोई चर्चा नहीं कर रही है, हम स्त्री अबला हैं और अबला स्त्री धर्म कैसे कर सकती है उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं श्रावक? हाजी, हे तत्वरसी के, एकदम सही कहा। हे श्रावक श्राविकाओं, अपन सब भक्ति तत्व व वैराग्य तत्व चर्चा की अमृत वर्षा का लाभ आज की सभा में तत्व चर्चा से हम प्रारंभ करते हैं। वाह, श्रेष्ठी श्रावक ने उद्घोषणा कर दी है कि क्यों ना हम इस सभा में वास्तव में स्त्री धर्म में भी धर्म की आराधना कैसे हो सकती है। उस सुंदर चर्चा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें यहाँ सब प्रकार का माल जो मिलेगा कि स्त्री पर्याय में भी रहकर वो धर्म कैसे कर सकते हैं, और जब स्त्री पर्याय में धर्म हो सकता है तो हम तो वास्तव में समर्थ हैं, तो समर्थ होते हुए भी हम असमर्थ बनते हैं तो उसमें धर्म कैसे न हो सकते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे प्रथम श्रावक और श्राविका यहाँ से तत्व चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए हमारे प्रथम श्रावक और श्राविका। ओ चलो चले, ओ चलो चले सांवरिया ज्ञान की हर लेगा गया। ओ चलो चले सांवरिया ज्ञान की हर लेगा गया। असिद्ध 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 प्रभु के आंगन में चलो चले सांवरिया। असिद्ध प्रभु के आंगन में चलो चले सांवरिया। हाँ जी, श्राविका जी क्या कह रहे हैं? आइए माइक चालू कर, हाँ माइक नीचे कर लीजिए और चालू बटन चालू कर दीजिए। एक आपके आदमी और कहाँ गए? हाँ जी,
हे स्वरूप भोगी, मनुष्य गति में स्त्री पर्याय पाकर करने योग्य कर्तव्य क्या है? देखो प्रश्न सुनना कि हे स्वरूप भोगी, इसके जो उद्बोधन किए गए हैं वो भी गजब के हैं, सुनने योग्य हैं कि हे स्वरूप के भोगी, स्त्री पर्याय पाकर करने योग्य कर्तव्य क्या है? हाँ श्रावक जी, हे स्वरूप लब्धे, पास में आ जाइए थोड़ा। स्त्री पर्याय पाकर एकमात्र कर्तव्य अपनी आत्मा का अनुभव करना है। अन्य अनेक कर्तव्य तो हमने अनंत बार किए हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। लोक में जिसे कर्तव्य कहा जाता है वह तो जगत का भार है, वह जगत का बोझा है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके गधे जैसा कार्य करने जैसा है, अतः हमें अपने षट कर्मों का अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जय जिनेंद्र। श्रावक बहुत स्वाध्यायी है, उन्होंने गजब का अंदर भैया बाकी सब कार्य तो होते हैं पर सर्वप्रथम षट कार्यमय जीवन जीना चाहिए, क्योंकि श्रावक का फर्ज है देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, एक एक षट कर्माणी, ये छह कर्म करने योग्य हैं, सो वो अपन को पालन करने चाहिए। ज्ञानमय ज्ञानमय मूरत मेरी, ज्ञानमय 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 मूरत जी, आगे आ जाइए थोड़े माइक के समीप, करंट नहीं लगेगा। ए चैतन्य विलासी, घर गृहस्थी के कार्य, पति सेवा, बच्चों का लालन पोषण, सास ससुर की सेवा, वह स्त्री का कर्तव्य नहीं है? देखो प्रश्न गजब के चालाक बन रहे हैं। हम छट आवश्यक करें तो क्या हम हमारे बच्चों की सेवा नहीं करें? हम सास बहू की सेवा नहीं करें? क्या ये कर्तव्य नहीं है? क्या ये कर्तव्य है कि नहीं है? क्या कहते हैं श्रावक महोदय? जी सुनो देवी, ये गृहस्थ के लौकिक कर्तव्य हैं, इसका निषेध नहीं है। इन कार्यों से समय निकालकर आत्म कल्याण करना चाहिए। करने का प्रयोजन यह है कि समस्त कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य आत्म कल्याण ही है। वाह, करने का मना नहीं है। सास ससुर की सेवा, बच्चों का लालन पोषण करना, ये सब तो करना है, पर उन सब कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य कौन सा है? कि उन सब कर्तव्यों में आत्म कल्याण करना ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है, इसलिए हमको आत्म कल्याण अवश्य करना चाहिए। ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आवे, ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आवे, जो बड़े ले जी शाविका जी। हे प्रशांत चित स्वामी, हम क्या करें? घर गृहस्थी के कार्यों में हम इतने उलझे हुए हैं, समय ही नहीं निकलता। आत्म कल्याण की बात तो बहुत दूर, हमें मंदिर जाने की फुर्सत नहीं। वाह, देखो आत्म कल्याण तो बहुत दूर, हमें तो मंदिर जाने की फुर्सत भी नहीं है। और जिसको मंदिर दूर लगता हो समझ जाओ उसको नरक वास लगता है।
देखो कितने कितने बहाने कि नहीं नहीं मंदिर समय ही नहीं है। अब श्रावक महोदय जी क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? श्रावक महोदय जी सुनो प्रिय, क्या हमें सिनेमा और टीवी देखने के लिए समय नहीं मिलता है? क्या सास भी कभी बहुत ही और अनेकानेक टीवी सीरियल देखने के लिए तो हमें समय मिलता है? शॉपिंग करने के लिए समय मिलता है? अपनी सहेलियों के साथ गपशप करने के लिए समय मिलता है? तो क्या देव आराधना षटकाय के कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता? ऐसे बहाने मत बनाओ प्रिय। हाँ, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, नाचना आवे नहीं और क्या कहता है आंगन टेढ़ा, मंदिर जाना नहीं और क्या कहता है कि नहीं 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 समय नहीं मिलता है, गृहस्थी के इतने कार्य हैं, यानी बाकी सब दुनिया के लिए समय के कार्य है। पद्मनंदी पंचविंशतिया में आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीवो, जिसको प्रातः काल भगवान के जिन मंदिर को स्पर्श करने का, भगवान को देखने का, जिनवाणी को पढ़ने का समय मिलता है, वह कालांतर में वह स्वयं पूजनीय हो जाता है। इसलिए उज्जैनेन्द्र देव के दर्शन तो करना करना और करना, इसके लिए कोई बहाना होना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर जवाब दिया, आगे चलते हैं। मैं महापुण्य होते से दिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य होते से दिन धर्म पा गया, दिन धर्म पा गया, दिन मंदिर आ गया, दिन धर्म पा गया, दिन मंदिर आ गया, महापुण्य होते से दिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य होते से दिन धर्म पा गया। हाँ जी शबिका जी, आराम से। हे चैतन्य रसिक, बात तो सही है, आत्म कल्याण करने के लिए समय तो है, पर क्या मंदिर में पूजन पाठ करने से आत्म कल्याण हो जाएगा? हमारी पड़ोसन को देखो, 6 घंटे मंदिर में रहती है और घर में ज्वालाबाई का अवतार है। वाह, क्या केवल मंदिर जाने से पूजन पाठ करने से कल्याण हो जाएगा? मंदिर में जावे और परिणाम शांत न रहे, मंदिर में आते ही, मंदिर से जैसे ही आवे और आते ही यहाँ क्या आवे, धमाल पट्टी चालू हो जाए, खाना नहीं बनाया क्या, वो नहीं किया क्या, आते ही महाबच्चे ने माँ इतनी बहुओं के प्रति इतनी क्रूरता परिणाम आ जाते हैं। सो ऐसे मंदिर जाने से भी क्या फायदा, और मंदिर जाते भी तो है हम क्यों हैं? वो श्रावक उत्तर दे रहे हैं, क्यों जाना है करुणा बुद्धे, आत्मज्ञान के बिना केवल पूजन आदि कार्यकारी नहीं है। जब तक जिनेन्द्र कथित वस्तु स्वातंत्र का ध्यान नहीं होगा, तब तक कल्याण का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। तत्वों का श्रवण, स्वाध्याय, सत्संग, ये सब आदि साधर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, हमें इन कार्यों में लगना चाहिए। वाह, हे करुणा बुद्धि, अकेले पूजन पाठ करने से भी कुछ कार्य नहीं होता। पूजन पाठ करने के साथ में स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के साथ में चिंतन करें, उसका अनुशीलन करें, और वर्तमान पंचम काल में तो एक यही स्वाध्याय सहायक है, इसलिए इसको अवश्य आप क्या करें, स्वाध्याय जरूर करें, तो ही तत्वों के श्रवण की अनुभूति से आत्म का कल्याण होगा। इसलिए केवल पूजन पाठ से कार्य नहीं होगा। बहुत सुंदर जवाब यहाँ पर अपन को दिया। ओहो चेतन आनंदमय सहज जीवन हमारा है, शाविका जी। हे प्राण प्रिय, मैं क्या बताऊं, मेरे पास समय तो बहुत है, घर पर काम वाली भी है, लेकिन जब सासू माँ को स्वाध्याय का नाम सुनाती हूँ तो वो गालियाँ देते हैं और कहते हैं सीधा जाना सीधा आना, ऐसे मैं स्वाध्याय कैसे करूँ? वाह, देखो
कई कई समस्या भी हो सकती है। पूर्व कर्म के उदय से यदि ऐसे निमित्त मिल जावे, सत्संग ऐसा मिल जावे, क्या होवे कि प्राण प्रिय वो मंदिर तो जाती है और स्वाध्याय भी करती है, पर सासू माँ क्या कहती है, सीधी आना और सीधी सीधी जाना और सीधी आना, मंदिर में स्वाध्याय मत सुनना। सुनो, हाँ जी क्या कहते हैं, सुनो विजया प्रिय, सासू माँ तो पूजनीय और आदरणीय होती ही है, उनकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक बार अपनी सासू माँ को प्रेम से समझाने का प्रयत्न करो, हो सकता है एक बार स्वाध्याय भी ले जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए और अपना जीवन पलट ले, जिससे अगर फिर भी वो तुम्हारी बात नहीं माने तो समता परिणाम रखकर अंजना सती को याद करके घर पर ही स्वाध्याय करना। वाह, देखो श्रावक कितने समझदार हैं। अरे पूर्व कर्म के उदय से किसी की सासू गुस्सा भी कर सकती है, पति भी गुस्सा वाला हो सकता है, ससुर भी किस विकट परिस्थिति में कुछ हो सकता है, इसलिए अपने परिणाम बिगड़े नहीं तो परिणामों को संभाल कर क्या करना, घर पे ही शांत चित्त से बैठकर स्वाध्याय करना, उस सती अंजना को याद करना। अरे किसी विकट परिस्थिति में घर से पति ने निकाल दिया, सासू माँ ने भी निकाल दिया, और अंतिम आशय जिसके थे कौन, के घर के अपने पिता, और पिता ने भी क्या कह दिया कि ये तो तू जिस घर से निकाली गई है मैं अपने घर में, तो इतनी विकट परिस्थिति में भी आ जावे तो क्या करना, उस समय भी समता पूर्वक धारण करना। और उसी बीच में वो सुंदर हमारी अस्त कुमारियां यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है। अभी इसको ठहरो, अभी दूसरी वाली, हाँ अभी हमारी दूसरी अस्त कुमारिया दोनों, हाँ भजन के साथ में हम इनको विदा करते हैं। हाँ, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पीएगा अनुभव वाला, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पीएगा अनुभव वाला, कोई पीएगा अनुभव वाला, कोई पीएगा अनुभव वाला, कोई पीएगा अनुभव वाला, अलग अलग जब वो हाँ जी, यहाँ पर उसी बीच में श्रावक श्राविका स्वभाव में यहाँ पर बीच में भी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत होते हैं। क्या हो गया, हाँ जी वोट लगी थी, हाँ इतने में समय होता जा रहा है, आगे आगे चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो बैठ जाइए, भी टेक्निकल प्रॉब्लम है भैया, भरत क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है। ये वर्तमान में अपने आगे के हमारे श्रावक यहाँ पर आएंगे, आइए आगे के श्रावक हमारे यहाँ पर आएंगे प्रस्तुत करने के। बहरे हरे धर्म की धार आज इस नगरी में, बहरे हरे धर्म की धार आज इस नगरी में, 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 बहरे हरे धर्म की धार आज इस नगरी में। जी शाविका जी, जागरण उदय मेरे सहेली की सासू माँ, आराम से माइक पे पास में जाइए,
ये जागर बुद्धि मेरी सहेली की सासू माँ तो ठीक ठीक है, पर उसके पति तो जिन धर्म पालने के लिए ही मना बोलते हैं, मंदिर जाने के नाम पर आंखें दिखाते हैं। वाह, बहुत चतुर है ये शाविका। सासू माँ तो ठीक ठीक है, पर मेरी सहेली के, अब खुद के पति को भी क्या मालूम नहीं पड़ सकती है, क्या कह रही है कि मेरे सहेली के पति कैसे हैं, बहुत गुस्सेले हैं, वो तो मंदिर के नाम दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं। अब क्या कहते हैं हमारे शावक? सुनो प्रिय सत्यवती, यह विकट परिस्थिति है कि अज्ञानी परिस्थिति को बदलना चाहता है और ज्ञानी मनस्थिति बदल देता है। यदि किसी का पतिदेव विपरीत व्यवहार करता हो तो उन्हें सती सीता को याद कर लेना चाहिए। वाह। और हाँ, सप्तम नरक के नारकी जीव उन विकट परिस्थितियों में भी आत्मज्ञान कर लेते हैं तो यह घर गृहस्थी की परिस्थिति कौन बड़ी बात है, बस अंदर की सच्ची लगन होनी चाहिए। वाह, वास्तव में लगन तो अंदर की होनी चाहिए। अरे याद करो उस सीता सती को, कितने प्रतिकूलताओं की परिस्थिति में भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, और रामचंद्र जी ने जब सीता को वन में छोड़ दिया और उस भयंकर जंगल में मंत्रीवर से क्या कहा कि हे मंत्रीवर, आपसे आपके राजा को जाकर कह देना कि लोग लज्जावश आपने मुझे तो छोड़ा है, पर लोग लज्जावश धर्म को मत छोड़ना। इसलिए किसी भी स्थिति में धर्म नहीं छोड़ना, धर्म तो हर हमेशा क्या रखना, अपने अंदर में रखना, दृढ़ श्रद्धा रखना। अरे नारकी भी प्रतिकूल स्थिति में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, तो मैं प्राप्त क्यों नहीं कर सकता हूं, अवश्य प्राप्त करना चाहिए। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बचे, होए भावे अपाय नहीं, जाना व्यास करो मनवाई, तो रवि करके दुख रोक करो, शांत चित हो निर्विकल्प हो, जब मैं बोलूं तब उठना। चलो आ गई है शाविका, अब आगे वाले कह रहे कि वहीं से बैठे रहें, इसके बाद एक सुंदर नृत्य होगा। हाँ जी शाविका जी। हे चैतन्य पुरुषार्थी, यदि किसी के पापोदय से उसके जीवन साथी का वियोग हो जाए तब वह बेचारी अबला क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जिए? वाह, कितनी गजब का सुंदर प्रश्न पूछा है। वास्तव में जीवन का सत्य है, यदि किसी के पापोदय से जीवन साथी का अभाव हो जावे तो वो अबला क्या करे, क्या उत्तर दे रहे हैं शावक महोदय? हे निज पुरुषार्थी, कोई आत्मा अबला नहीं है, कोई भी संयोग वियोग को गर्भ में लेकर के ही पैदा होता है। आत्मज्ञानियों को संकट के समय धर्म ही सहाय है और धैर्य ही अवलंबन है। सत्य तो यह है कि जो अपना है वह जाता नहीं, जाता है सो वह अपना नहीं। वाह, वास्तव में कोई आत्मा अवला नहीं। पूज्य गुरुदेव जी एक बात कहते हैं, जब भी इस बात इसको आते हैं कि आ तो निवृत्तिमय काल पक्यो छे, क्या हो गया, निवृत्ति का काल आ गया है। यदि किसी के पति का वियोग हो जावे या किसी के पत्नी का वियोग हो जावे, अब क्या हो गए, निवृत्त हो गए, यानी झंझट से मुक्त हो गए, अब किसी की सुनना नहीं है, अब तो क्या करना, केवल एक चैतन्य की आराधना करनी है। इसलिए हे बेन, घबराओ मत, तुम अबला नहीं, तुम तो कौन हो, चैतन्य जागृत स्वयं भगवान आत्मा हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सहज तत्वी सहज भावना हे आनंद प्रदाता है, जो भावे शिव पावे आवागमन मिटाता है, सहज तत्वी सहज देह सहज रूप नित ज्ञान को, व्यवन हो शोधन हो चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। हाँ जी, उस
से बीच में हमारी बालिकाएं आ रही है, शावक बालिकाएं आवे और सुंदर नृत्य प्रस्तुत करें शावक बालिकाएं। ये जिन देश ताली बजा के इन अन्य मुनि बच्चों का स्वागत करें। आत्मा ही समय सार, वास्तव में एक द्रव्य समय सार और एक भाव समय सार। द्रव्य समय सार तो ये ग्रंथाधिराज समय सार जी जो हमारे लिए परम उपकारी है, और उन्हीं द्रव्य समय सार में निज ज्ञाय भगवान आत्मा की बताई सो वह मैं भाव समय सार रूप आत्मा हूँ, ऐसे सुंदर यहाँ नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब आगे को उसी सभा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे आगे के शावक शाविका, आइए और वो अपनी क्या अद्भुत बात लेकर आते हैं, आइए आगे के शावक शाविक। ऊंचे ऊंचे भाव वाला रे कर मैं हमारा, ऊंचे ऊंचे भाव वाला रे कर मैं हमारा, कर मैं हमारा में अरे प्यारा, कर मैं हमारा में
ज्ञायक पुजारी फिर तो शादी विवाह के चक्कर में फंसकर जीवन बर्बाद करना तो पागलपन है, तो हमें आत्म ध्यान में ही बैठे रहना चाहिए। पहली बात आई थी कि वो अबला, यदि जीवन साथी का अभाव हो जाए तो बेचारी अबला क्या करे, तो इनका क्या प्रश्न है, तो विवाह शादी के चक्कर में फंसना ही नहीं, बंद कर दें क्या फिर? अब कौन मानेगा इसको, क्या कहते हैं श्रावक भाई? हाँ जी, हे चैतन्य सुंदरी जय जिनेन्द्र, बात तो सच है, यह शादी विवाह पागलपन ही है। फिर भी यदि धर्म पद्धति से विवाह हो ही गया है तो बाल बच्चों को क्या कुएं में फेंक दें? हाँ। निरंतर ध्यान तो महामुनिराजों को भी नहीं होता, फिर घर गृहस्थी में हमसे कैसे संभव है? धर्म को पालन करते हुए घर गृहस्थी का कर्तव्य निभाया जा सकता है, यह जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है। वाह, कितनी गजब की बात है, शादी विवाह पागलपन ही है। वास्तव में तो क्या है, पागलपन, एक पागल दूसरे पागल से विवाह कर दो डबल पागल। और पंडित राजेंद्र साहब कहते हैं कि शादी का विवाह का एल्बम कलंकित एल्बम है, जोकर बनकर बैठता है। कैसे बनकर बैठता है? जोकर, वो दूल्हे का बैठता है ना, तो जैसा कौन लोग बोले ऐसा बैठ जाए और ऐसा खड़ा हो जाता है। मुंह में यदि पान में मिर्ची डाल के भी दी जावे ना तो क्या करता है, मिर्ची को खाता रहता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि दूल्हा है ना, वो जोकर सा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जोकर नहीं बनना है, तो क्या करना, गृहस्थी को जीवन को जीना तो सही, पर कैसे जीवन जीना, कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए षट आवश्यक को पालन करते हुए जीना चाहिए। बहुत सुंदर, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो जन में पीरा राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। हाँ जी शाविका जी, हे वैरागी आत्मन, यदि घर गृहस्थी में रहकर ही धर्म का पालन किया जा सकता है तो सीता जी ने अर्जी का व्रत अंगीकार क्यों किया? वाह, वो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय प्रथमानु का पढ़ते ही लगता है, क्यों न पढ़े, जिसके घर में शास्त्री विद्वान चिंतनशील होवे, अभ्यासी होवे, उसकी धर्मपत्नी भी चिंतन क्यों नहीं कर सकती है। इतना सुंदर पलवा, यदि गृहस्थी में रहकर भी धर्म पालन किया जा सकता है तो सीता जी ने आर्य का व्रत क्यों अंगीकार किया? इसलिए घर में हो भी सकता है और घर में नहीं भी हो सकता है। श्रावक क्या उत्तर दे रहे हैं जी? हे वीरागणी प्रिय, हर जीव की अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य होती है, यद्यपि पूर्ण धर्म की प्राप्ति तो पूर्ण निवृत्ति पूर्वक ही हो सकती है, तथापि क्षमता ना हो तो एक देश धर्म की आराधना करके वह जीव मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। हे प्रिय, माँ सीता ने तो अंतरंग और बहिरंग से पूर्ण निवृत्ति को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए पुनः दोबारा घर की ओर प्रस्थान करने का तो कोई मार्ग उनके पास बचता नहीं है। उन्होंने तो घर के राग का ही त्याग कर दिया था, इसलिए हे प्रिय, अर्जी का व्रत अंगीकार करना तो उनका नियति भी ही निश्चित था। वाह, वास्तव में अपनी न्यारी न्यारी योग्यता है, जिस जिस अपने योग्यता के अनुकूल जीव पालन करे, सर्वप्रथम तो मुनिव्रत अंगीकार करना ही लिखा है। यदि मुनिव्रत अंगीकार न होवे तो गृहस्थी में व्रतादि को ग्रहण करे, और व्रतादि का भी ग्रहण न होवे तो सामान्य शिष्टाचार में रहकर, जैन के तीन लक्षण हैं कौन कौन से, कि नित्य जिन मंदिर जाना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन नहीं करना, ये तो जैनों को करना ही करना चाहिए। मैं पिछली बार उदयपुर गया था सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, मैंने वहां पर लोगों से हाथ खड़ा करवाए थे कि इस सभा में जैन कौन कौन बैठे हैं वीरेंद्र भैया, क्या क्वेश्चन 400-500 थे और मुमुक्षु की सभा थी, उसमें क्या हाथ खड़ा करवाए कि इस सभा में जैन कौन कौन है,
सभी ने दो दो हाथ खड़े कर दिए, कैसे? और मैंने पूछा पानी छान के पीना, भाई साहब ये हमिंग क्यों हो रही है? पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना और रात्रि भोजन, बोलो जो दो दो हाथ खड़े थे ना उसमें से मुश्किल से 50 के हाथ खड़े रहे होंगे, बाकी सब क्या हो गए? धड़ाम से गिरे गए। और अभी यहाँ पर भी हाथ खड़ा करवाए ना आपके, कि यहाँ पर जैन कौन कौन है और ये तीन लक्षण हैं, बोलो कितने हाथ खड़े करेंगे? पानी छान के बोला है और छान का अर्थात 48 मिनट के बाद वो क्या हो जाता है? अब तुम छानते हो सुबह और वो अगले दिन तक छना हुआ नहीं होता है, इसलिए आप समझकर उस हाथ खड़ा करना। अब आगे मैं अन्य श्रावक को भी कहता हूँ वहाँ बैठे, हमारे नन्नी मुन्नी बच्चे को नींद आ गई है, नृत्य के माध्यम से इनको हम विदा करते हैं। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। हमारी नन्नी मुन्नी बालिका यहाँ आ रही है, बेटा नीचे नीचे सही, हाँ पास कर ले, हाँ चलिए चलो। अच्छा बच्चे जब बोलेंगे तभी बोल, मैं बोलूंगा तब बोलेंगे। सर्व विकारों से रहित शाश्वत सुख के भोगी सिद्ध परमात्माओं का सुख धाम सिद्धालय कैसा होता होगा? आइए हम इस मुक्ति रमणी के नगर की सैर को चलते हैं। वास्तव में मुक्ति रमणी की उस सैर कैसे चले हैं उसके भी पासवर्ड बने जाते हैं, हाँ यहाँ पर भी पासवर्ड की ही टेंशन है, वो पासवर्ड सुलट जाएगा तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। Thank you.
सिद्धों की छाव में चले। वास्तव में अंतिम लक्ष्य तो हमारा वही होना चाहिए था। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए हमारे आगे के श्रावक यहाँ पर आएंगे। आइए आगे के श्रावक। रमन भजले आतम राम मरिया री गई पूरी, मन भजले आतम राम मरिया री गई पूरी, ओ मरिया री गई पूरी अवस्था रे तोड़ी, ओ मरिया री गई पूरी अवस्था रे तोड़ी, मन भजले आतम शाविका जी। हे उदासीन भोगी, क्या सती जी श्री राम से नाराज थी? श्री राम ने निर्दोष सती को घर से क्यों निकाला? पहले प्रश्न आया था कि सीता जी ने आरी का व्रत ले ली तो क्या वो राम से नाराज थी? क्या नाराज होकर दीक्षा ले ली क्या? और क्या कारण था शावक महोदय? सुनो सती प्रिया, सीता जी तो सम्यक दृष्टि आदर्श नारी थी। वह तो विचित्र कर्मोदय से विरक्त थी। उनका राग तंतु टूट चुका था। श्री राम भी महान पुरुष थे, भला वे सीता जी को कष्ट क्यों देते? सीता जी के बिना तो वे अत्यंत दुखी थे। परिस्थितिवश मर्यादा स्थापित रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। वास्तव में मर्यादा को कायम रखने के लिए यानी पति की आज्ञा है, पति की आज्ञा शिरोधार्य है और वो पति आदर्श पति है, वो ज्ञानी जीव है। उस ज्ञानी जीव की यहाँ बात को बताने के लिए परिस्थितिवश मर्यादा स्थापित रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। बहुत सुंदर। जन वस्त्रों से सच पूछो उनके आत्म कारु से सकताए मस्तक का वो क्षण गुरु आका जो रावण को रागी मान सत श्रवण करनो सर्ग विजेता। वाह, धर्म करने वाली महासतियों पर उपसर्ग क्यों आते हैं जबकि अन्यथा प्रवर्तन करने वाली नारियां लोक में मौज से जी रही है? वाह, देखो गजब का प्रश्न है। कभी कभी तो दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो कोई ज्वलन भी कर सकता है, अरे हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हम व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी हमारे पे कष्ट आता है। और कोई क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया वो नारियों लोक में मौज भी कर रही हैं। अब वो लोग मौज किस प्रकार करती हैं शावक महोदय? सुनो धर्म प्रिय, यह तो अपनी अपनी दृष्टि का विषय है। जिस प्रकार तपते हुए सोने को देखकर कोई यह है कहे कि इस पे उपसर्ग हो रहा है तो यह तो नादानी ही है, क्योंकि तपता हुआ सोना ही शुद्धता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि सती स्त्री संसार का अनुसरण नहीं करती तो उसके जीवन में विघ्न आते ही है, परंतु वह विघ्नों से घबराती नहीं है। वह अपना धर्म वृद्धि करने का मार्ग खोज ही लेती है। इसका उदाहरण है अंजना सती। वाह, अंजना सती चंदन वाला। अरे स्त्रियां, सोना तपता हुआ जलता हुआ तो दिखता है पर वो क्या होता है? तप्तायमान होते हुए अमूल्य धातु रूप होता है। उस प्रकार बाहर में कोई उपसर्ग आ सकता है पर उपसर्ग पे घबराना नहीं। पुत्र चिलाता नाम मोहन
जी। हे संयमा अभिलाषी, सती चंदन बाला ने विवाह क्यों नहीं किया, जबकि उनकी बड़ी बहन तो कुंडलपुर की महारानी थी। वाह, एक ने शादी नहीं की और दूसरे ने शादी की, ऐसा महाराज क्यों? हे शावक बताइए, ऐसा क्यों होता है? हे संयम धारणी, जो पहले से वैराग्य रूपी अमृत का पान करता हो वह भला राग की आग में क्यों जलेगा? अरे, लोग जिसे भोग कहते हैं वह वास्तव में तो रोग है, और जो लोग जिसे विवाह कहते हैं वह संसार कष्टों का चक्र है, वह वरमाला नहीं जीवन की हार है। वाह, वह वरमाला नहीं वह जीवन की क्या है? हार है। इसलिए ऐसा हार पहनना नहीं है ना, वो हमको तो क्या पहना, जीवन कह रहे कि जीवंत जीने के लिए तो हमें जयमाला को ग्रहण करना चाहिए। भोगों की दाताई स्त्री है, पंचे भोग जुटाती है, एक वन और की आशा में वो लेनर को अटकाती है, परम ब्रह्म जय धारण करना ये तो कुछ आता है, जो आनंद में रहते हैं वो आत्म सुख को पाते हैं, आत्म सुख को पाते हैं। जी शाविका जी, रानी प्रिय, यदि स्त्री विवाह नहीं करे तो सारा जीवन अकेले कैसे बिताएगी, उसका मन कैसे लगेगा? देखो, ये भी पराधीनता है। जैसे बच्चे बड़ी होती है 15 16 17 18 साल की, तो लोग क्या कहते हैं, विवाह करो विवाह करो, ये तो पराया बंधन है। जन्म लेते ही क्या कहते हैं, पराया बंधन है। तो इनकी भी वास्तव में शंका, अंदर में जिज्ञासा लग रहा है, दुख होता है कि हम विवाह नहीं करें तो बेचारी वो अकेली स्त्री क्या करेगी, क्या उत्तर दे रहे शावक महोदय? यह स्त्री पर्याय तो इस दुखद पर्याय का अभाव अभाव करने के लिए अभाव करने के लिए मिली है। धर्मात्मा स्त्री स्वाध्याय आदि प्रक्रिया के समय लगाकर अपना जीवन धन्य करती है। सच तो यह है कि सम्यक दर्शन ही स्त्री का मंगल सूत्र है, और महाशील भी माथे का टीका है। पात्र को दान देना स्वामी स्वर्ण कंगन और हे स्वामी, आपकी दूसरी आंखें कहाँ गई? चश्मे के बिना नहीं दिखते। सुन लीजिए, मैं ही बोल देता हूँ, बेचारे उनको भी गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं है, उनको अंतिम समय में दिया तो वो भी क्या करे, है ना। चलिए, मैं उसका पूरा उत्तर दे देता हूँ। स्त्री पर्याय तो दुखद पर्याय का अभाव करने के लिए मिली है। धर्मात्मा स्त्री स्वाध्याय आदि धर्म क्रिया में समय लगाकर अपना जीवन धन्य करती है। सच तो ये है कि सम्यक दर्शन ही स्त्री का मंगल सूत्र है, और महाशील ही माथे का टीका है। पात्र को दान देना स्वर्ण कंगन है, और चरणानियों पैरों की पायल है। जिन मंदिर पियर है और सिद्ध शिला ससुराल है, अनंत गुण परिवार है, जिनवाणी उसकी सहेली है, तथा स्वयं निजात्मा ही पति देव है। ऐसा ये पूरा मंगल श्रृंगार है। पंडित साहब रविंद्र जी ने मंगल श्रृंगार लिखा ना, कितना सुंदर लिखा। मस्त के काहो शनि गुरु आया जोड़ा मणि रागी माने, सत शाश्वत निशान जी, बहुत अच्छा, सुंदर शावक हैं, अध्ययनशील हैं। हाँ जी। हे मुक्तिनाथ, यह बात तो परम सत्य है, परंतु यदि शादी का भाव हो तो कैसे पुरुष का वरण करना चाहिए, जिससे हमारा धर्म भी नष्ट ना हो और दाम्पत्य जीवन भी सुखी बना रहे। वाह, बहुत सुंदर ज्वलंत प्रश्न है, वर्तमान का ये ज्वलंत प्रश्न है। हम बिना विचार किए हर किसी से शादी कर लें, हर किसी को अच्छा मान ले और हर किसी को क्या कर लेते, प्रेम कर लेते हैं, है
है ना। ये जो वर्तमान में अपन का चल प्रेम विवाह चल रहा है, ये जो कह रहे कि जाहिदपना चल रहा है कि कोई ना जात देखे ना पात, है ना, जो मिला उसके साथ कह रहे कि भाग जाते हैं, है ना। इसलिए बच्चों को यहाँ पर एक नियम लेवे कि मम्मी पापा के आज्ञा के बिना, उनके देखे बिना और सोच समझ के हम किसी अजैन के साथ में कभी भी त्रिकाल में कभी भी अन्य विवाह नहीं कर सकते, जैन के साथ ही विवाह करेंगे, ये संकल्प ये नियम लेना चाहिए। हाँ जी श्रावक। हे मुक्ति अभिलाषी, वास्तव में तो ये अपने अधीन नहीं है, स्त्री के जन्म से पहले ही उसके वर का जन्म हो जाता है। वाह। इसलिए वर चुने नहीं जाते, खोजे जाते हैं। वाह। और खोजे भी नहीं जाते, समय आने पर स्वयं मिल जाते हैं। मैना सुंदरी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वाह, वास्तव में कितनी गजब की बात लगी कि विकल्प से कुछ काम नहीं है, ये तो सब क्या हुआ है, फिक्स है किसके साथ किसकी शादी करनी, इसलिए उसका उदाहरण है। पर तो भी अपन को विकल्प में आना चाहिए कि सच्चे शावक के साथ ही अपन विवाह करें, ऐसी बात यहाँ पर आनी चाहिए। एक तू ज्ञान में ध्रुव सजावे, एक मात सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, स्वयं विचरते शिव मन में, पर नहीं आवी अति जीवो को होत जय स्थिर हो कर, एक समय बाद आपको कहीं जाना नहीं है, जाना खाना, इसके बाद भी आपको यहीं बैठना है। आज बहुत सुंदर कवि सम्मेलन हो रहा है, अध्यात्म जैन जगत का कवि सम्मेलन भी यहां पर है, इसलिए कल तो 12 बजाए थे तो आज तो 12 बजानी ही है। लौकिक में अपन को कभी कभी लगता है कि हम हैप्पी न्यू ईयर मनावे कि नहीं मनावे, ये इनका मनावे कि नहीं है, वास्तव में ये ईसाई करण है, इसको मनाना नहीं चाहिए। पर हम धर्ममय जीवन जीते हुए किसके नए वर्ष की शुरुआत करें, लौकिक में भी जो चल रहा प्रचलन, तो वो कैसे करें कि धर्ममय आचरण के साथ में शुरुआत करें, तो वो हमारा जीवन सार्थक होगा। हाँ जी शाविका जी। हे निर्विकल्पी, ये बात तो सत्य है कि हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है, फिर भी उस जाति के परिणाम तो आते ही हैं, बुद्धिपूर्वक उचित वर खोजने का भाव आता ही है, उस दृष्टि से कृपया बताएं कि वर कैसा होना चाहिए। वाह, हाँ जी शावक उत्तर दीजिए। हे शास्त्राभ्यासी, पद्म पुराण में आता है कि शादी तो पाप रूप ही है, फिर भी यदि शादी करने का भाव आए तो समान भाव का जोड़ा होना चाहिए, जैसे सीता को यदि तीर्थ यात्रा का परिणाम आता था तो पूर्व से श्री राम तीर्थ यात्रा की ही सोचते थे, अथवा धर्म मार्ग में लगाने वाला पाप भीरु न्याय मार्ग में चलने वाला ही वर श्रेष्ठ होता है। वास्तव में वर श्रेष्ठ तो ये पूर्व के सब जोड़े बने आते हैं, जब सीता जी को यात्रा का परिणाम आता था तो राम को राम पहले ही सोच लेते थे कि मुझे भी यात्रा जाना है, इसलिए ये तो कह रहे कि पूर्व कुछ विशेष जीवों के लिए साथ में होता ही है, और हमारा भी जिस जीव से शादी होवे विवाह आदि होता है वो संबंध भी जुड़े हुए हैं, वो धर्म के साथ में जुड़े, शावकाचार के साथ में रहें, सदाचार के साथ में रहें, तो बहुत आनंद आने वाला है। करो नहीं कल्पना संभव, अब यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो परिवारों से सम्यक तत्व विचार करो, समता रस का पान करो, अनुभव रस पाई पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। इस प्रकार ये हमारी श्रावक श्राविका सभा यहाँ अंतिम दौरे से चल रही है, उसके बीच में हमारे पंडित साहब रितेश जी शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं। पंडित साहब रितेश जी शास्त्री। जय जिनेन्द्र। आपको ये श्रावक श्राविका सभा कैसी लगी? हमारे सभी साधर्मियों के लिए, शास्त्रियों के लिए तो नहीं,
लेकिन हमारे जितने साधर्मी जन हैं जो श्रावक श्राविका सभा से जुड़े हैं उनके लिए आप मन से उनके लिए ताली बजाएं। मुझे याद आता है 91 में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदरणीय भाई साहब के परिवार द्वारा आंजना गांव में हुआ था। मेरे साथी मित्र भाई संदीप जी और हमारी इच्छा थी कि हम गांव में कुछ बहुउद्देश्य कार्यक्रम करें, इस हेतु इंद्र सभा का आयोजन किया और वहां पर गांव में सारी सुविधाएं जुटाना मुश्किल, लेकिन भाई साहब के संपर्क और उनके सारे कारणों से वो इंद्र सभा का वहां आयोजन किया गया था भाई साहब। और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम को हम बहुउद्देश्य, जो गर्भस्थ साधर्मी जन आने वाले हैं वो जिनका आज ही जन्म हुआ है, ऐसे साधर्मी जन जो 2 साल के, 4 साल के, 6 महीने के साधर्मी जन हैं, उन तक हमारे तत्व की बात कैसे पहुँचे, वे अपने आत्मकल्याण का मार्ग कैसे चुने, इस हेतु भाई अश्विन जी से चर्चा की और उन्होंने श्रावक श्राविका सभा का एक मंगल आयोजन करने का प्रस्ताव रखा और ये आयोजन आज यहाँ हुआ है। इसमें पूरी मेहनत, पूरा श्रम, पूरा पुरुषार्थ, पूरा चिंतन, पूरा मनन जो लगा है भाई अश्विन जी का है, मैं उनके लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन हमारे जो साधर्मी श्रेष्ठी हैं, हमारे श्रेष्ठी श्रावक हैं, उनको अंतिम अंतिम समय में, हमारे जो स्नातक थे वो किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम से हटे, तो भाई जयदीप जी, डॉक्टर श्रेयांश जी, भाई अनिल जी और अशोक जिया जी, ये चारों श्रेष्ठी श्रावक अंतिम समय में, यहाँ कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले, उससे आपको पता भी चल रहा होगा उनके ड्रेसिंग से कि यहाँ आए और उनको हमने अपहरण कर लिया कि आपको यहाँ मंच पर बैठना है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ऐसे इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाने के लिए हमारे जो भी इस कार्यक्रम में लगे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आगे बहुत सुंदर, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि आप इतनी ठंडी में भी यहां बैठे हैं, वो धर्म चर्चा के लालायित होकर धर्म चर्चा सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए भी ताली जोरदार बजा दीजिए, बहुत सुंदर। और उसी श्रावक श्राविका सभा को अंतिम ले जाने के लिए मैं पुनः श्रावक श्रेष्ठी के पास जाता हूं और वो अंतिम उद्बोधन वहां पर प्रस्तुत करें। श्रावक श्रेष्ठी, वो माइक दे दीजिए, वो वाला ही। हाँ जी, श्रावक श्रेष्ठी। श्राविका जी को। वाह रे, धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविका जीवन की चर्चा सुनकर तो जीवन धन्य हो गया। सत्य है, धर्म चर्चा से मोह मंद होता है और रत्नगर के मार्ग खुलते हैं। वाह, सही बात कही कि श्रावक श्राविका के सभा सुनकर, धर्म की बात को सुनकर मोह मंद किस प्रकार होता है वो बात यहाँ पर बताई। हाँ जी श्रावक जी। जीवन तो तभी धन्य होगा जब स्त्री पर्याय का अभाव होकर कर्म काट कर मोक्ष जाएंगे। मोह मंद तो अनंतों बार हुआ, मोह का अभाव करना नहीं हुआ, इसलिए धर्म मार्ग आत्म अनुभव करके रत्नत्रय धारण करके भव का अभाव करना ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। और हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है कि हमें नियम से धर्म की आराधना करना चाहिए, धर्म में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। इसी बात को मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात कहता हूँ पेटेंट अच्छी है 100%, दुनिया में आकर के रहा नहीं कोई परमानेंट, दुनिया में आकर के रहा नहीं कोई परमानेंट, जिसने जमाई धाक अपनी उसकी उड़ गई टेंट, जिसने जमाई धाक अपनी उसकी उड़ गई टेंट। इसलिए आत्मा की बात सुनने में
मत रहो एब्सेंट, इसलिए आत्मा की बात सुनने में मत रहो एब्सेंट, धर्म की बात सुनने में हर समय रहो तुम प्रेजेंट, धर्म की बात सुनने में हर समय रहो तुम प्रेजेंट, क्योंकि क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का धर्म देता है जजमेंट, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों का धर्म देता है जजमेंट, जड़ पुद्गल द्रव्यों का मत लगाओ तुम कैंप, विषय कषायों का मत लगाओ सेंट, सोच लो समझ लो मास्टर स्टूडेंट एंड सर्वेंट, मालिक प्रेसिडेंट एंड सर्वेंट, मुक्तिपुरी के बन जाओ तुम एजेंट, मुक्तिपुरी के बन जाओ तुम एजेंट, टल जाएगा चतुर्गति का एक्सीडेंट, टल जाएगा चतुर्गति का एक्सीडेंट, निज ज्ञायक नाम है मेरा एकमात्र परमानेंट, निज ज्ञायक नाम है एकमात्र मेरा परमानेंट, और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है यह जिनागम की पार्लियामेंट, और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है यह जिनागम की पार्लियामेंट, निज ज्ञायक नाम है एकमात्र एजेंट, यही हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। और इसी के साथ ही यह श्रावकों की यह जो संवाद सभा है, मैं यहीं पर विश्राम लेता हूं। बोले महावीर भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो, अंतिम एक नृत्य होने के बाद हम विदा लेते हैं यहां पर। हाँ, एक नृत्य करते हुए विदा है। शाविका हमारे उस साइड चले जावे और शावक इस साइड आ जावे, दोनों की आप पारी वहां चले जावे, बीच में कोई दोष लगे नहीं। एक नृत्य करते हुए अपने विदा लेते हैं और हमारा आगामी जो कवि सम्मेलन है भाई संजय उसका संचालन कर रहे हैं। संचालन कौन कर रहा है? कवि सम्मेलन का संचालन कोई कर रहा है? हाँ, भाई दीपक जी कर रहे हैं उसका कवि सम्मेलन। आइए एक नृत्य के साथ में अपन यहाँ विदा लेते हैं। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, मंगल अवसर आनंद अवसर, मंगल अवसर आनंद अवसर, भक्ति माँ भक्ति माधारी हो नाच रहो रे, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, हमारे शावक जी यही दीक्षा लेके जा रहे हैं, पर जाना कहीं नहीं है। अब यहाँ पर सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हमको ही इसका क्या लाभ लेना है। हम सभी शास्त्री यहीं बैठे रहे और उसका लाभ लेवे। अश्विन जी भाई साहब का बहुत 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 धन्यवाद।